नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मऊ में बुनकरों ने फ्लैट रेट पासबुक की लड़ाई में शामिल हुए व्यापारियों के कई संगठन बिल से भुगतान के लिए नया शासनादेश 4 दिसंबर 2019 को जारी कर दिया है। पावरलूम उद्योग यूं ही कई सालों से खराब हालत से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पावरलूम विद्युत बिल से मिलने वाली सब्सिडी समाप्त होने से इस उद्योग पर तबाही के संकट छा गए हैं। इन सब समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम के अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल द्वारा बुलाई गई एक बैठक में व्यापारी संगठनों, बुनकर संगठनों, केराना कमेटी और सूता कमेटी के अतिरिक्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में डॉक्टर राम गोपाल गुप्ता, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल मऊ ब्रिजभूषण गुप्ता, अध्यक्ष किराना कमेटी खालिद अंसारी, बुनकर नेता जहीर सराज नगर, अध्यक्ष सपा मऊ अल्ताफ अंसारी, पूर्व प्रत्याशी सपा शफीक डायमंड, अध्यक्ष मऊ वेलफेयर ट्रस्ट कामरेड अनिस, नगर सचिव सीपीआई मौलवी इकबाल मोहम्मदी, सचिव मऊ रिलीफ कमेटी नौशाद अहमद, अध्यक्ष बुनकर फलाही काउंसिल अजय साहू, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल मऊ बसंत कुमार, जिला सचिव भाकपा माले इत्यादि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आजमगढ़ संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, किस तरह की मीटिंग है और क्या मामला है पूरा? आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और इस अभी छोटी सी बैठक में जितने व्यापार मंडल हैं यहाँ, उस व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे और जो बुनकरों के जितने संगठन हैं उसके लोग भी थे। तो यहाँ सरकार ने 2006 का जो जियो था बुनकरों को फ्लैट रेट के पासबुक का, किसानों की तरह सस्ती बिजली देने का, तो उसको सरकार ने दिसंबर में ख़त्म कर दिया है। मगर दिसंबर के बाद वो NRC और लॉकडाउन और कोरोना को लेकर किसी प्रकार से कोई आंदोलन नहीं हो पाया था। तो आज हम लोगों ने इस पर मशवरा किया है कि क्या होना चाहिए। तो आज की बैठक में ये तय हुआ है कि 1 सितंबर को एक बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें कुछ और जिम्मेदार साथी, जो कुछ दूसरे दलों के लोग शामिल नहीं हो पाए थे, उन सब लोगों को भी उसमें शामिल करके 1 तारीख को एक बैठक की जानी है और उसमें ज़िले भर के बुनकर नुमाइंदों को और जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया जाएगा। आज चूँकि सिर्फ मऊ शहर के लोग थे तो उसमें हमारे जो करीब पास में जो और, जैसे इधर बहादुरगंज हो गया, इधर मुबारकपुर, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, घोसी, अदरी, कोपा, इन सारी जगहों के बुनकर नुमाइंदों को बुलाया जाएगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आंदोलन करना है। आज कई एक सुझाव आए, एक तो ये आया कि हम लोग अपना पूरा कनेक्शन को EPD करा दें। एक ये भी सुझाव आया कि हड़ताल कर दी जाए, पूरे मऊ को बंद कर दिया जाए। कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि जितने पावर लूम हैं उनको हड़ताल कर देनी चाहिए 1 तारीख से 15 तारीख तक। तो इन सारे सुझावों पर विस्तार से चर्चा कर रही है। आज की बैठक में ये तय हुआ है कि एक और बड़ी बैठक आगामी 1 सितंबर को शाम को 4 बजे बुलाई जाएगी और उस बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाना है। इस बैठक को बुलाने के लिए जो यहाँ 3 व्यापार मंडल के जो विंग हैं, उन 3 व्यापार मंडल ने जिम्मेदारी ली है। उन 3 व्यापार मंडल की तरफ से उन्हीं के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम आने वाले दिनों में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि बुनकरों का अगर कारोबार और व्यापार तबाह होगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार से हम ये भी अनुरोध करना चाहते हैं, ये बात भी आई कि सरकार को GST के रूप में हम लोग लगभग 1,000 करोड़ रुपया सालाना टैक्स की शक्ल में देते हैं और 200 करोड़ रुपए सब्सिडी देने के लिए सरकार अपना कदम पीछे हटा रही है। तो अगर लूम ही नहीं रहेगा तो सरकार को ये जो GST की सूरत में जो पैसा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। ये बात आई है कि सरकार को जो अधिकारी बैठे हुए हैं विभागों में गलत दिशा दे रहे हैं और इससे पूरा ये कारोबार और पूरा उद्योग ये तबाही के कगार पर चला जाएगा। तो अगर इस बुनाई के उस उद्योग को सरकार को बचाना है तो फ्लैट रेट की व्यवस्था को लागू रखना चाहिए। सरकार को लगता है कि बहुत कम पैसा है तो उस पैसे को बढ़ा लेना चाहिए और अधिक कर लेना चाहिए। 72 रुपया अगर है तो उसे आप बढ़ा के 200-300 रुपया कर लीजिए, बुनकरों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अभी आपने बताया है कि जैसा कि आप लोग PD करा सकते हैं कनेक्शन को या फिर लूम बंद कर सकते हैं, तो इस तरह का काम करने से इससे नुकसान किसका, सरकार का नुकसान या बुनकर का नुकसान है? नहीं, अगर बिल जो हम लोगों को पूरी बिल देनी पड़ेगी तो हमारा लूम चल ही नहीं पड़ पाएगा, तो कबाड़े के पास बेचना ही पड़ जाएगा। वो मजबूरी है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि शौक है कि लूम बंद कर देंगे। जो जिस लूम में मुस्तकिल घाटा ही होगा, कोई भी बुनकर, आप बुनकरों की बस्ती में जाइए, किसी भी बुनकर से पूछिए कि अगर एक लूम की 2,000 रुपये महीने में बिल देनी हो तो आप दे पाओगे? वो बुनकर महीने में 3,000-4,000 रुपये का तो काम करता है तो 2,000 रुपये बिल कैसे दे देगा?
तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो सरकार को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, आपके गुजरात में तमाम जगहों पे पावर लूम पे सब्सिडी है, आपके महाराष्ट्र में चाहे भिमंडी वगैरह में सब जगह सब्सिडी है, यहाँ जो सब्सिडी देने की सरकार बात कर रही है उसमें बहुत जटिलता है। एक तो रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है, रेट भी हमारा बहुत महंगा है, और जगहों पे 6-7 रुपये है और हमारे वहाँ 7 रुपये 30 पैसा पर यूनिट रेट है, मगर उसमें सारे टैक्सेस वगैरह जब मिला देते हैं 14 रुपये के आसपास रेट हो जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली आपके उत्तर प्रदेश में है।